उधर सागर में नसबंदी की एक मात्र 10 महीने के बाद ही फिर से एक महिला के मां बनने का मामला सामने आया है। इसने शासकीय अस्पतालों में नसबंदी के नाम पर की जा रही लापरवाही को उजागर कर दिया है। परिवार के मुखिया ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बच्चे के भरण पोषण के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रजवा गांव निवासी उषा कुशवाहा ने 10 महीने पहले ही जिला अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाई थी। उसे उम्मीद थी कि वो अब अपने छोटे परिवार के साथ खुशी से रहेगी, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया और फैमिली प्लानिंग की योजना धरी की धरी रह गई। अब गरीब परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सीएम से मदद की गुहार लगाई है। कहाँ से करवाई थी आपने? इसको हम डॉक्टर क्या मान कर रहे हैं आपने मुआवजा की मांग? मुआवजा वो हम तो बच्ची को गोद देंगे और क्या, इसकी हमारी यहाँ कार्रवाई बढ़ाएंगे, हम आज ही को गोद करेंगे नहीं तो बच्चे। उसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी एक तो रहती है जैसे फेलोफेन ट्यूब जो रहती है जिसमें वो लगाते हैं स्लिप, वो स्लिप हो जाती है कभी कभी, उस कारण से हो जाती है। या कभी कभी कुछ दिन पहले की यदि हो उसे कंसेप्शन तो उसमें भी डिलीवरी के चांसेस रहती है। वो वैसे भी 0.4 तक इसमें रहता है फेलियर रेट,